हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सिंगापुर का वीज़ा कैसे चेक करेंगे, फेक है या रियल। दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट कंपनीज या एजेंसीज के थ्रू यदि आप सिंगापुर जॉब करने जा रहे हैं, तो यदि आपको वीज़ा मिला हुआ है तो इस वीज़े को कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका वीज़ा फेक है या जेन्युइन है, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है या आपका वीज़ा रियल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अपना वीज़ा स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में जाके ओपन करना होगा www.ica.gov.sg। दोस्तों, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर वेब पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ देखिए, सिंगापुर का वेब ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे सिंगापुर सिटीजन, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट, पास होल्डर, विजिटर, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। राइट में देखिए, थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एंट्रिंग एंड डिपार्टिंग, अप्लाइंग टू स्टेज, आइडेंटिटी कार्ड, चेक स्टेटस, मेक अपॉइंटमेंट, ई सर्विस फॉर्म, फैक, हु वी आर, न्यूज, कैरियर। तो इसमें हमें जाना चेक स्टेटस, मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, चेक स्टेटस मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, हमारे सामने दो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे चेक स्टेटस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे मेक एन अपॉइंटमेंट, तो जहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैंसिल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो हमें चेक स्टेटस ऑनलाइन पे देखिए, यहाँ आप पासपोर्ट का ऑप्शन, आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन, बर्थ ऑफ डेट, सिंगापुर सिटीजन, परमानेंट रेसिडेंस, री एंट्री परमिट, एंट्री वीज़ा, स्टेटस ऑफ विजिट, लॉन्ग टर्म विजिट पास, लॉन्ग टर्म विजिट पास ऑफ अदर, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पास ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, स्टूडेंट पास ऑफ अदर स्कूल, प्री मैरिज, लॉन्ग टर्म विजिट पास असाइनमेंट, इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो हमें एंट्री वीज़ा पे क्लिक करना होगा। हमें वीज़ा स्टेटस देखना है तो हमें एंट्री वीज़ा पे क्लिक कर देना होगा। एंट्री वीज़ा पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला इंटरफेस देखिए पेज खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग को पढ़ लेना, जान लेना, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या क्या है, योर पासपोर्ट नंबर, डेट पासपोर्ट एक्सपायरी, यहाँ पे डेली कंप्लीट बेस्ट, देखिए यहाँ पे ढेर सारे, यहाँ पे जो भी जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, जानकारी लेना है। आई वांट टू, यहाँ पे आप क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा एज ए लोकल कंटेक्ट साइन पास, या फिर अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा एज ए लोकल कंटेक्ट क्रॉप पास। यहाँ पे देखिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा एज ए ऑथोराइज वीज़ा एजेंट, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो देखिए अप्लाई फॉर एंट्री वीज़ा एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंक्वायरी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस, तो हम इंक्वायरी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए अगला पेज खुल के आया। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट, वीज़ा रेफरेंस नंबर, यहाँ पे देखिए वीज़ा रेफरेंस नंबर डालना होगा आपको। यहाँ पे एप्लीकेंट ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल के हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो यदि आपका वीज़ा जेन्युइन है तो आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा डिटेल्स पूरा आएगा। यदि फेक है तो रिकॉर्ड नॉट फंड करके आएगा। तो देखिए एक वीज़ा है हमारा, हमारे पास, वो भी काफ़ी पहले का है, तो मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। इसमें देखिए रेड कलर का दिख रहा है एप्लीकेंट ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर, और नीचे देखिए एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर दिख रहा है। तो ये हमें यहाँ पे टाइप कर लेंगे, सेम ऐसे वीज़ा मिलेगा आपको, यहाँ पे टाइप कर, टाइप करने के बाद देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन सबमिट, यदि आपका वीज़ा फेक रहेगा, रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, तो इस तरह का लिख के आएगा। यदि आपका वीज़ा जेन्युइन है, रियल है, तो यहाँ पे आपका वीज़ा से डिटेल्स, पूरी जानकारी, पासपोर्ट नंबर डिटेल, वीज़ा टाइमिंग, जो भी आपकी वीज़ा पे रहेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। सो दोस्तों, इस तरह आप सिंगापुर का वीज़ा चेक कर सकते हैं, फेक है या जे रियल है। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर प्रेस करके आल पर क्लिक करें ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और जो भी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।